भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक अजय चंद्राकर ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए हमला बोला है। उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार, डीएमएफ शिक्षा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने इतना भ्रष्टाचार किया है कि इस पर पीएचडी की जा सकती है। छत्तीसगढ़ के प्रिय मित्रों, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था कैसे बदहाल है उसकी एक वानगी देखते हैं। आपने सुना और पढ़ा होगा कि ट्रांसफर और प्रमोशन के खेल में करोड़ों रुपए की उगाही की गई और आज छोटे छोटे कर्मचारियों के ऊपर FIR की जा रही है या प्रमोशन और ट्रांसफर को निरस्त करने की बात शासन कर रहे हैं। ये एक लेन देन का मामला है जिसको सब लोग जान चुके हैं। ट्रांसफर इस तरह हुए कि किसी प्रधान पाठक के सेवानिवृत्ति की प्रत्याशा में भी ट्रांसफर कर दिए गए जो 10 साल महीने एक साल बाद ट्रांसफर होने वाले हैं। यदि हम परीक्षा परिणामों को देखें तो अभी 12वीं की पूरक परीक्षा में 21,000 और 10वीं की पूरक परीक्षा में 24,000 बच्चे फेल हुए और कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें उनको 0 नंबर प्राप्त हुए हैं पूरक में। एक और वानगी देखते हैं, भूपेश बघेल जी कहते हैं कि मैं नीचे तक पैसा भेज रहा हूँ, इतने पैसे इन वर्गों को बांटे गए, हरी बीज की योजनाओं में राजीव गांधी मितान क्लब और गोठान समितियों को शराब पीने के लिए पैसे दिए गए। इसी तरह से एक उदाहरण आया कि धमतरी जिले में DMF से डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी खुद देखते हैं उसके पैसे से बड़ा आश्चर्यजनक काम हुआ और आश्चर्यजनक तरीके से काम हुआ। एक श्रृंगी ऋषि उत्कृष्ट विद्यालय आत्मानंद जी के नाम से बनाया गया, उसके लिए DMF से 8,65,37,000 की राशि स्वीकृत हुई। शहर में स्कूल बना लेकिन उसमें एजेंसी 4 पंचायतों को बनाई गई, हरदी भाटा को 2,49,04,000, रतावा को 1,92,27,000, घटूला को 1,99,22,000 और पोड़ा गांव को 2,14,93,000 रुपए की राशि दी गई। अर्थात पंचायत को आत्मानंद स्कूल बनाने के लिए एजेंसी बनाई गई। पंचायत के पास क्या उत्कृष्टता है, कौन सा नक्शा है उसके पास, कौन सी तकनीकी क्षमता है, किस तरह के स्टैंडर्ड में वो स्कूल बनने हैं उसको पंचायत कैसे जानती है, कौन से काम किसको करने थे, उसका मूल्यांकन कौन कहां तक के काम को किया, कैसे किया और कितने का मूल्यांकन हुआ, ये घटना क्यों घटी, ये एक जनधन के लूट का, मुख्यमंत्री जी के विभाग में लूट का एक शानदार उदाहरण है। भूपेश है तो सब संभव है, भूपेश है तो भ्रष्टाचार है। आज इन उदाहरणों से हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है और बड़े आश्चर्य की बात है कि पूरा छत्तीसगढ़ जानता है भ्रष्टाचार को इस विभाग में, लेकिन इस विभाग के मंत्री या तत्कालीन मंत्री या प्रमुख सचिव ये भर नहीं जानते, बाकी पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। शिक्षा विभाग में देश भर में ऐसा भ्रष्टाचार आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। यही कांग्रेस का मॉडल छत्तीसगढ़ है कि शिक्षा कैसे होती है और अशिक्षित छत्तीसगढ़ बना रहे, कांग्रेस की दुकानदारी चलती रहे, भ्रष्टाचार चलते रहे, इसलिए ये परिस्थितियां बनाई गई हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। जय हिंद, जय भाजपा, जय छत्तीसगढ़।